रोचक प्रसंग। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, परंतु उस दिन अत्यधिक बारिश हो गई, जिसके कारण मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ एक गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते उतारे और नंगे पाव खेलने लगे। इसके बाद तो मानो गोलों की झड़ी लग गई। 6 गोल खाने के बाद जर्मन खिलाड़ी रफ हॉकी खेलने लगे और उनके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। उपचार के बाद मैदान में वापस आने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल न मारा जाए, सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को ये दिखाया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी बार बार गेंद को जर्मन डी में लेकर जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों की समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। उस ऐतिहासिक दिन भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और इसमें 3 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।